रक्षाबंधन के मौके पर हमारी भोजपुरी हीरोइनें कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती हैं। हाँ भाई, यही तो मौका होता है जब वो चुन चुन कर अपने भाइयों से गिफ्ट लेती हैं। तो चलिए इस बार बताते हैं कि भोजपुरी की कौन सी हीरोइन जुट गई है अपने भाई की जेब ढीली करने के लिए। हम हीरोज की भी बात करेंगे कि जो अपनी बहनों को इस बार खुश कर देंगे अपने गिफ्ट से। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हीरोइनों से। तो हम अक्षरा सिंह, जी हाँ, बकरीद के मौके पर अक्षरा सिंह दोहा कतर जरूर गई थी, लेकिन वहां से रिटर्न आ चुकी है और वो रिटर्न भी आने का मेन कारण है रक्षाबंधन, जहां वो अपने डियरेस्ट छोटे भाई को राखी बांधना बिल्कुल नहीं भूलती और बदले में उनके भाई साहब उन्हें चॉकलेट देते हैं। जी हाँ, चॉकलेट जो कि अक्षरा सिंह को बहुत पसंद है। यहाँ आपको बता दें कि अक्षरा सिंह अपने भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। वैसे भी भाई बहनों के प्यार का कोई मोल नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि आपको हर रिश्ता हर जन्म में मिल सकता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक जन्म में ही मिलता है। तो खैर, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचे आम्रपाली के पास। जी हाँ, आम्रपाली का वैसे तो सगा भाई कोई नहीं है, लेकिन आम्रपाली के कई मुंह बोले भाई हैं और साथ ही उनके कजिन्स भी बहुत सारे हैं। तो आम्रपाली ऐसे मौके पर अपने भाइयों से गिफ्ट लेना बिल्कुल नहीं भूलती। हाँ, लेकिन यहाँ आपको बता दे कि आम्रपाली अपने छोटे भाइयों से बिल्कुल गिफ्ट नहीं लेती। आते हैं काजल राघवानी की तरफ। काजल राघवानी का एक भाई है, वो चाहे जितनी भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन इस मौके को, इस त्योहार को वो हाथ से जाने नहीं देती। हाँ, ये बात और है कि उनकी फिल्म संघर्ष, उसका प्रमोशन वो जोरों शोरों से शुरू कर चुकी है, लेकिन अपने भाई के लिए वो अपने पूना वाले घर जाएंगी और उसे राखी बांधेंगी और फिर उसके बाद फिर से वो संघर्ष का प्रमोशन स्टार्ट करेंगी। वो बात और है कि इस बार सुभी शर्मा कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, लेकिन अपने भाइयों को वो अपने फिल्मी सेट पर ही बुलाकर राखी बांधेंगी और उनके भाई भी अपनी बहन की व्यस्तता देखकर उनके पास राखी बंधवाने जरूर जाएंगे। अब बात करते हैं मधु शर्मा की। मधु शर्मा की फिल्म माँ तुझे सलाम बॉक्स ऑफिस पर जितना ताबड़तोड़ बिजनेस कर रही है, उतनी ही ताबड़तोड़ तैयारी भी मधु शर्मा ने राखी की है। जी हाँ, इस बार अपनी राखी को वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल अंदाज में मनाएंगी और अपने भाइयों से गिफ्ट तो लेंगी ही, साथ ही उन्हें पार्टी देना बिल्कुल नहीं भूलेंगी, क्योंकि भाई ये पार्टी देने का हक बनता है उनका। इस बार तो उनकी फिल्म माँ तुझे सलाम में उनके काम की भी काफी प्रशंसा हो रही है। तो चलिए बात करते हैं पवन सिंह की। पवन सिंह भोजपुरी के सुपरस्टार हैं और इस सुपरस्टार के पास कोई सगी बहन नहीं है, लेकिन उनकी चचेरी बहन हर साल पटना से मुंबई आती है उन्हें राखी बांधने के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि पवन सिंह की कई मुंह बोली बहन भी हैं, जिनसे राखी बंधवाना पवन सिंह कभी नहीं भूलते। साथ ही खेसारी लाल यादव भी इस मामले में किसी से पीछे नहीं है, अपनी बहनों के घर जाकर वो बकायदा राखी बंधवाते हैं। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी खेसारी अपनी बहनों से बहुत लगाव रखते हैं। उनका कहना है कि ये त्योहार तो भाई बहनों का ही होता है। रवि किशन भी इस बार मुंबई में ही हैं और उनकी बहन भी इस बार मुंबई में है, इसलिए इस बार रवि किशन ने स्पेशली इस त्योहार की तैयारी कर रखी है, क्योंकि उनकी फिल्म सनकी दरोगा जो आने वाली है, जिसमें उन्होंने एक ऐसे पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया है जो बलात्कारियों को चुन चुन कर सजा देता है। अब बात करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ की। तो निरहुआ की बहनें तो हैं, लेकिन इस बार निरहुआ की सारी बहनें उनके घर आई हुई हैं उन्हें राखी बांधने के लिए। तो ये रहा हमारा राखी स्पेशल प्रोग्राम। यकीन है आपको जरूर पसंद आया होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।